नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना किसान यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका अपना किसान भरत जाट। तो किसान भाइयों, आज हम अफीम के ऊपर किसान भाइयों को कौन सी जाली लगानी चाहिए इस बारे में पूरा वीडियो है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और जो लोग नए हैं या फिर पहली बार हमारे चैनल पर आए, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास ही के घंटी के निशान को भी दबा दें, ताकि जब भी हम खेती बाड़ी से जुड़ी जब भी नई जानकारी लाएँ, वह पहुँचे आपको सबसे पहले। तो किसान भाइयों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, अफीम के ऊपर जाली लगाना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि किसान भाइयों जो अफीम है वो हमें पूरी सरकार को देनी पड़ती है। तो किसान भाइयों, इस अफीम की खेती में हमें तोते की बहुत भारी समस्या रहती है। कहीं कहीं इलाकों में तो किसान भाइयों, हमारे जो अफीम के 100 से 50 डोड़े भी यह तोते खा जाते हैं। तो किसान भाइयों, इससे बचने के लिए हमें जाली लगानी चाहिए, या फिर बहुत से हमारे किसान भाई ऐसे हैं जो 3-4 वर्षों से जाली लगाते आ रहे हैं। और किसान भाइयों, जो किसान भाई सोच रहे हैं कि हम कौन सी जाली लगाएं, किस प्रकार से हमें जाली लगानी चाहिए, तो किसान भाइयों आज इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। किसान भाइयों, सबसे पहले जाली दो प्रकार की होती है, एक तो रेशम वाली जाली और एक नायलॉन वाली जाली। किसान भाइयों, जो रेशम वाली जाली होती हैं वो थोड़ी महंगी पड़ती हैं और इसमें वजन भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो लगाने में बहुत सारी दिक्कत आती है, बहुत सारी समस्याएं आती है जाली लगाते समय। किसान भाइयों, जो अफीम का पौधा होता है वह छोटी अवस्था में ही हमें जाली लगा देनी चाहिए। जब हमारी अफीम की फसल बड़ी हो जाएगी तो हमें जाली लगाने में दिक्कत आएगी, इसलिए 3 वर्षों से अफीम के ऊपर जाली लगाते आ रहे हैं। और किसान भाइयों, मेरे पास रेशम की जाली भी है और नायलॉन की जाली भी मैं लगा चुका हूँ। तो किसान भाइयों, जो मुझे यह जाली अच्छी लगी है वह आप सामने देख सकते हैं। किसान भाइयों, ये नायलॉन की जाली आप देख रहे हैं। किसान भाइयों, यह जाली वजन में काफ़ी हल्की होती है और किसान भाइयों लगाने में भी हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। किसान भाइयों, ये जो जाली आप सामने देख रहे हैं, हमारा जो प्लॉट है वो सामने आप यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ी छोटी पड़ गई थी जाली, तो हम यह मार्केट से कल ही खरीद के लाए हैं और आज इस जाली को हम लगाने वाले हैं। किसान भाइयों, जाली को लगाने के लिए यहाँ पर ये वायर देख रहे हैं किसान भाइयों, प्लास्टिक के आजकल वायर मार्केट में अवेलेबल हैं। किसान भाइयों, यह 180 रुपये किलो हमें वायर यहाँ पर मिल जाते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों, ये जो अफीम का पूरा प्लॉट रहता है, हमें कितने खंभे लगाने चाहिए, साइड में किसान भाइयों हमें खंभे कभी भी नहीं लगाने चाहिए। हमें किसान भाइयों, यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं सफ़ेद खंभा आपको दिख रहा है, यहाँ पर हमें ट्यूबवेल का दो के पाइप हमने लगा रखे हैं काफ़ी शानदार तरीके से। आप भी इसी प्रकार से अफीम की जाली यहाँ पर आसानी से लगा सकते हैं। सबसे पहले हमें पूरे प्लॉट में यहाँ पर जो डोरियाँ रहती हैं प्लास्टिक की, वो हमें लंबी करनी है। किसान भाइयों, चौड़ाई में भी आप लंबी कर लीजिए और लंबाई में भी लंबी आसानी से कर लीजिए। जो नायलॉन की जाली होती है वो उसको आप लंबी कर लें, इसके बाद आप इसमें बीच में खंभे लगाकर किसान भाइयों आसानी से इस जाली को आप लगा सकते हैं। किसान भाइयों, यह जाली मार्केट में 380 रुपये से लेकर 420 रुपये तक किसान भाइयों दुकानदार बेच रहे हैं, तो यह आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितना दुकान वाले से कम करवाते हैं। किसान भाइयों, यह जो जाली है वह हम 370 रुपये किलो इस जाली को खरीद के लाए हैं और आसानी से दो जने भी किसान भाइयों इस जाली को आसानी से लगा सकते हैं। किसान भाइयों, 10 आरी या 12 आरी में यदि आप अफीम के ऊपर जाली लगाते हैं, तो यह जो नायलॉन की जाली है किसान भाइयों, 5-5.5 किलो से 6 किलो के बीच में यह जाली लगती है। तो यदि आपके 6 आरी का पट्टा है तो यहाँ पर आपको जो जाली है वो किसान भाइयों 3 किलो आपके पूरी 6 आरी में आ जाएगी। तो इसी प्रकार से किसान भाइयों आप लगा सकते हैं। रेशम वाली जाली किसान भाइयों बहुत महंगी पड़ती है, उसका वजन भी काफ़ी ज़्यादा रहता है, लगाने में भी बहुत सारी दिक्कत आती है। हम जो पिछले 3-4 वर्षों से इस जाली का उपयोग कर रहे हैं, वो काफ़ी शानदार तरीके से यह जाली हमारे लिए आसानी से लंबे समय तक चलती है। किसान भाइयों, यह जाली 5 से 6 साल तक की सर्विस हमें दे देती हैं। किसान भाइयों, वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, कोशिश करूंगा कि आपके सवाल के जवाब मैं दे पाऊं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज का यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, लाइक करने के साथ साथ अन्य किसान भाइयों को जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि खेती बाड़ी से जुड़ी जब भी नई जानकारी लाएँ वह पहुँचे आपको सबसे पहले। तो किसान भाइयों, हम मिलेंगे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना किसान बदलते भारत की शान।
We'll be right back.